अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आग्रह करेंगे कि आसन सदन के संरक्षक है और आसन अगर जो सत्ता पक्ष के इशारे पर एक्टिविटी करे और उनके इशारे पर कार्य करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए है। और अध्यक्ष महोदय, कल भी यही घटना दिखाई पड़ी, आज भी यही घटना। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं जो आज उप मुख्यमंत्री है, हमेशा प्रारंभ में सदन जब शुरू होता है बोलने का मौका देते हैं, एक बार सुन लेते हैं विषय, विषय सुनने के बाद फिर कार्य मंत्रणा कार्य स्थगन की बात होती है। आप इतने देर तक लोग विरोध कर रहे, जो आपके माननीय मंत्री सेना का अपमान किए उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं मांगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को। और गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जेठली के मामला और छपरा में जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल हो रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देनी चाहिए, एक विशेष आयोग गठित करने का आश्वासन देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्रश्नकाल को बाधित कर दिया जाना या उचित है? क्या लोगों का आप इस शासन पर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि नरसंहार हो गया, लोगों की जिंदगी से प्रश्नकाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप ऐसा, आप भी शासन पर थे नहीं, और उस तरह की बातें होती थी, आप अभी भी नहीं। विपक्ष को जो सम्मान देते थे पूरा देश और बिहार देखता था। संसदीय कार्य विभाग मंत्री, एक तरफा नहीं चलता है महोदय, अगर जो सदन इस तरह से चलानी है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए और विषय पर डिस्कशन होगा। नहीं, ये सदन चलाते हैं जबरदस्ती, सदन चलती है को बाधित न करेगी अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती बाद हम लोग कर लेंगे भाई। सदन जबरदस्ती नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं है, मंत्री बैठे हैं, माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं कि आसन को सरकार के दबाव में या इशारे पर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम सरकार की तरफ से सदन को और बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा महागठबंधन की सरकार कभी आसन पर दबाव नहीं बनाना चाहती है, पहली बात। और महोदय आप पूरी तो कर लेने दीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि आसन को सरकार के इशारे पर नहीं चलना चाहिए और हमने समर्थन किया, महोदय उसी तरीके से आसन को विपक्ष के दबाव में भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है, ये भी होना चाहिए। इसलिए आसन सर्वोपरि है, हमने तो कहा कि अगर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कह के आसन नियमन दे देते और फिर आप बीच में आ जाइए तो क्या मतलब है इस कहने का, क्या मतलब है इस कहने का? माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष माय, अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माइक को बंद नहीं करना है। कह देते हैं आपके बात नहीं मानते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई करिए, जब माइक बंद रहता है। आपके माइक में आवाज है, आप बोले। अध्यक्ष महोदय, गलमान के शहीदों का पिता को जेल भेज दिया गया, ये गंभीर विषय है। एक तरफ शहीदों को अपमान सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका असर प्रशासन में दिखाई पड़ रहा है कि जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है जमीन माफिया के इशारे पर, प्रशासन मिल करके उसको पिता को जेल भेज रहा है। जो मूर्ति स्थापित करना चाह, जो मूर्ति बनाना बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर वो जवाब दें और माफी मंगवाना चाहिए। शहीद हमारा सेना पूरे देश का सेना होता है, किसी पार्टी का सेना नहीं होता है। और ऐसे मंत्री एक बार बयान नहीं दिए, एक बार बयान देते तो संजोग था, ये प्रयोग कर रहे हैं। इनके मंत्री बेग लगाम है, अलग अलग विषय पर अनाप शनाप, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत,
को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोग सरकार में रहने के योग्य नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अवसर दिया गया, आप जो है प्रश्न काल चल रहे हैं तो सरकार जवाब दे इस पर। ये प्रश्न, ये आपने प्रश्न नहीं इस पर किया है कि सरकार से मैं जवाब दूं। आपने जो कहा सरकार उसको आसन सुन लिया। इतना गंभीर विषय है, देश के प्रतिष्ठा, सेना के सम्मान से जुड़ा विषय है। जो सेना शहीद होता है उसका पिता जेल में बंद कर दे, क्या ये गुंडा राज है? आपने सरकार जवाब दे। आपने जो कहा उसको सुन लिया, अपना स्थान ग्रहण करें।